चलिए अब बात कर लेते हैं सेना में नौकरी से आगे बढ़ के देश भर में नौकरी की। और ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमने स्वदेश विदेश में लगातार जगह दी है। देश में सरकारी पदों पर जल्द नौकरियों की बहार आने वाली है। दरअसल पीएम मोदी के आधिकारिक ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है कि आने वाले 1.5 सालों में खाली पड़े करीब 10 लाख सरकारी पदों पर भर्तियाँ हो जाएंगी और ये भर्तियाँ केंद्र सरकार के कई विभाग और मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। तो पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद देश के करोड़ों युवाओं के मन में एक ही आस कि जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आज ही ये हमारे दूसरा अहम मुद्दा है, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट। पिछले कुछ समय में आम आदमी ने जो कुछ झेला है वो वाकई किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय है। पहले कोरोना और फिर चरम पर पहुंचती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन के चलते कई लोगों की सैलरी में कटौती की गई तो कई संस्थानों ने क्रॉस कटिंग के नाम पर अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन पीएम मोदी के एक ट्वीट के बाद लोगों को एक आस दोबारा जगी है। दरअसल पीएम मोदी के आधिकारिक ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है कि आने वाले 1.5 सालों में सरकार कई विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी। यह भर्ती केंद्र सरकार के कई विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। सरकार के इस कदम से देश के करोड़ों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये नौकरियां देने का आदेश दिया है। दरअसल केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 8.72 लाख पद खाली पड़े हैं। 1 मार्च 2018 तक केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में कुल 6,83,823 पद खाली पड़े थे, तो वहीं 1 मार्च 2019 तक सरकार के 9,19,153 पदों पर कर्मचारियों की जरूरत थी, जिसके बाद 1 मार्च 2020 तक 8,72,243 सरकारी मंत्रालयों और विभागों में पद खाली पड़े थे। मुख्य तौर पर 3 भर्ती करने वाले एजेंसियां यानी SSC, UPSC और रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRBS भर्तियां करती है और वैकेंसी निकालती है। इन 3 एजेंसियों ने पिछले 3 सालों में यानी 2018-19 में 38,827, 2019-2020 में 1,48,377 और 2020-21 में 78,264 लोगों की नियुक्ति की है। इसके साथ बैंकों में करीब 5% बैंक कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक जो पद खाली हैं वो कर्मचारियों के रिटायरमेंट के अलावा अन्य वजहों के चलते खाली पड़े हैं। वित्त मंत्री ने संसद में जानकारी दी थी कि 1 दिसंबर 2021 तक सरकारी बैंकों में कुल 8,05,986 पद मंजूर किए गए हैं, जिसमें 41,177 बैंक कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। SBI में सबसे ज्यादा 8,544 बैंक के पद खाली पड़े हैं, जिसमें से 3,423 पद ऑफिसर्स के और 5,121 पद क्लर्क स्टाफ के खाली पड़े हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक में 6,743, इंडियन ओवरसीज बैंक में 5,112, बैंक ऑफ इंडिया में 4,848 पदों पर भर्तियां होनी है। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों IIT और IIM जैसे संस्थानों में करीब 10,814 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6,535, IIT में 3,885 और IIM में 403 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने इससे पहले अप्रैल में भी सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए कहा था, ताकि देश में युवाओं के लिए अवसर पैदा किए जा सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए इस कदम का गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। चलिए सर और बातचीत करेंगे, इसको और समझेंगे। 2 सवाल है यहाँ पे। एक तो सवाल यह है कि नौकरियां इतनी सारी आने वाली, दूसरी है कि इतने पद खाली क्यों हैं। इसके लिए बात करेंगे शेखर गरीसर जो कि CEO है Monster.com के, और गिरिजा सुब्रमण्यम जो कि जनरल मैनेजर हैं GICRE की। गिरिजा मैम, मैं सबसे पहले आपके पास ये सवाल लेके आना चाहता हूँ। अक्सर आप किसी भी बड़े अधिकारी, किसी भी बड़े मुख्यमंत्री, कभी कभार प्रधानमंत्री के ट्विटर के नीचे भी आप कमेंट देखना शुरू करेंगे तो कई सारे खाली पड़े जो पद उनके बारे में बात हो रही होगी, अरे आप इसमें भर्ती शुरू कीजिए। कई जगह आपको ये मिल जाएगा कि अरे वो एग्ज़ाम होना था वो एग्ज़ाम कराइए। मेरा पहला सवाल यही आता है कि इतने सारे सरकारी पद क्यों सालों से खाली पड़े हैं। एक्चुअली GIC री में हम जब हमारे यहाँ तो
टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ इज अराउंड लेस देन 500 और हमारे यहाँ इतनी सारी वैकेंसीज है नहीं और वी रिक्रूट यू नो वेरी स्मॉल नंबर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. यहाँ कोई वैकेंसीज इतना आई मीन देयर इज नो सो मेनी वैकेंसीज आर नॉट देयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैं बाकी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती. चलिए, आप जो प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है जहाँ पे आप हम 10 लाख नौकरियों की अब बात कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है और कितना चैलेंजिंग होगा इन सब पदों को भरना इन द गिवन टाइम? आई थिंक इट हैज टू बी टेकन बाय द इंस्टीट्यूशंस वेयर एवर द वैकेंसीज आर, दे हैव टू मीट दीज चैलेंजेस. सी पुट अ प्लान इन एक्शन, इट शुड बी. चलिए शेखर सर, आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा, अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि आपको देख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट वापस आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं? आई वुड लाइक टू से मतलब पूरी खुशखबरी नहीं है. कंपेयर टू लास्ट ईयर वी हैव ग्रोन 9%, कंपेयर टू द लास्ट मंथ मार्जिनल डिप है. But that said, across the board, most of the industries में growth देखी गई है. सबसे ज्यादा हमने जो growth देखा, these are industries like supply chains. You know, you would know, COVID के time पे बहुत सारे impact हुआ था. So now, because cross-border business, everything has been revived, उसमें बहुत ज्यादा growth देखा हमने, almost 45% का growth. Telecom में बहुत ज्यादा growth देख रहे हैं, because everybody is anticipating कि अभी 5G का rollout होगा. उससे आगे we are also seeing in BFSI, digitization, cashless payments, a lot of fintechs raising money, etc. So उसमें भी हमने almost 30-35% का growth देखा. So these are the industries which are primarily driving the growth at the top level. We are also seeing very positive growth in travel and tourism. आपको तो ये पता है कि because of the pandemic, travel and tourism was the most impacted, tourism, hospitality, etc. But over the last 6 months, we have seen tremendous rebound and now people are traveling freely, people are vacationing, summer season bhi aaya hai. So we've seen the impact of it. Travel and tourism also has seen significant growth. So across the board, we're seeing significant growth. We've seen 9% increase compared to last year. Between April and May, हमने थोड़ा 3-4% का थोड़ा reduction देखा है, but overall the good news is still on. चलिए गिरिजा मैम, आपके पास आता हूँ मैं, किस तरीके से आपको लग रहा है कि आप जब धीमे-धीमे करके market धीमे-धीमे करके चीजें वापस आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या opportunities इस समय employment की भी थोड़ी बेहतर होती जा रही हैं? Definitely, I think COVID has had a huge impact on the employment. Opportunities are abhi jab everything is opening up, people are slowly returning to normalcy. So I definitely feel that in various sectors there are opportunities for new employment opportunities. Jay Shekhar sir, aapke paas main aana chahunga isi sawal ko leke. Dekhiye, beech mein work from home kafi tha, ab wo khulne lag gaya hai, kya aapko lag raha hai ki usse bhi kafi sari opportunities badhne wali hain? Yeah, so you rightly said office automation, we're even seeing HR admin, that also indicates ki log wapas aa rahe office mein. So we're seeing a bit of growth in those spaces, like you rightly pointed out. If I look at industries where we're seeing a bit of a slowdown, we're talking about media and entertainment, possibly because people are being cautious, inflation badh raha hai, stock market mein prices gir rahe, so people are a little cautious, so maybe वो लोग इतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं मीडिया और एंटरटेनमेंट में. सो दोस जॉब्स आर सीइंग अ बिट ऑफ अ डाउनफॉल. आल्सो वी आर सीइंग अ बिट ऑफ अ सॉफ्टनेस इन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा, अगेन इंडिकेटिंग कि अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा पीपल वांट टू बी कॉशियस, सो कैपेक्स विल गो डाउन एंड देयरफॉर दीस जॉब्स विल बी अ लिटिल म्यूटेड. सो इफ आई हैव टू से द कपल ऑफ सेक्टर्स वेयर थोड़ा जॉब्स हैव बिकम अ लिटिल म्यूटेड, आई वुड कॉल आउट दीस टू. In terms of locations, as you asked, you know, the tier two cities are growing very fast. For a change this time, you know, Bangalore is kind of a little low on the order. Maybe we've also seen startups thoda impact where, so Bangalore is not as high, but Coimbatore is the one which is surging ahead. We're seeing a lot of healthcare jobs, etc., being created out of Coimbatore. Hyderabad, then Delhi NCR, Mumbai, they continue to be good. Some of those cities which earlier we said weren't reporting as much growth in jobs, Kolkata, etc., have started showing growth in terms of jobs. So across the board, tier 2 cities are growing fast. Bangalore is a little muted this month.
चलिए ये सवाल गिरिजा जी आपसे भी मैं पूछता हूँ आपको, कौन कौन से सेक्टर्स में लग रहा है कि इस समय अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर एंड आल्सो यस दीस टू सेक्टर्स मेजरली दे आर शोइंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, इसके साथ स्वदेश विशेष में हमारे साथ था, समय खत्म हो चुका है, कल फिर लौटेंगे किसी एक विशेष खबर के साथ जिसका आपसे और हमसे रोज का ताल्लुक।